प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक का जो प्रथम जो मंगलम है कल्याण की भावनाएं जो हमारे अंदर विकसित हो किस प्रकार से होनी चाहिए मातृभूमि के प्रति और मातृभूमि के प्रति हम किस प्रकार की वो कामना करें कि हमारा भला और हमारा कल्याण हो, तो हमने पढ़ा था। चलिए आज हम चलते हैं आपके पहले पाठ में। इसका नाम है भारत, भारतीय वसंत रीति, भारतीय जो है वो हमारी जो मातृभूमि है उसके जो वसंत रूपी जो गीत है वो वसंत रीति है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। क्या बताया गया है? अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित चाणक्य वल्लभ शास्त्री ने है काकली गीत संग्रह संकलित अस्ति। यानी कि ये पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित चाणक्य वल्लभ शास्त्री के द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से संकलित किया गया है। यानी आधुनिक कवि पंडित चाणक्य वल्लभ शास्त्री उनकी एक रचना है, गीत संग्रह है, इसका नाम है काकली। उस काकली से ये जो पाठ है वो लिया गया है। प्रकृति सौंदर्य अवलोकी एवं सर्व शक्ति विनायाः माधुर्य जनकृत है प्रभुत्वं शक्यते इति भावना पुष्पर कवि प्रकृति सौंदर्य पर्णय सरस्वती वृणावादनाय संप्राप्यते। तो माँ सरस्वती से मंगल कामना कि इस प्रकृति की सुंदरता को देख करके ही और माँ सरस्वती की वीणा की मधुरता की झंकार से हम प्रभावित हो सकते हैं। इसी भावना को प्रस्तुत कवि ने प्रकृति और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए माँ सरस्वती से वीणा को बजाने की प्रार्थना की है। क्या किया है कि ये जो पाठ है वो काकली नामक काव्य से संकलित किया गया है जिसके रचयिता है पंडित चाणक्य वल्लभ शास्त्री। और प्रकृति की सुंदरता को देख करके और उसके उसी प्रकाश को उसके अंदर माँ सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार को किस प्रकार से हम प्रभावित कर सकते हैं प्रभावित होते हैं इसी भावना को प्रस्फुटित करते हुए कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कि माँ सरस्वती की माँ भारती देखी ये प्रकृति की सुंदरता किस प्रकार की है, इस सुंदरता को देखकर कि आप अपनी वीणा को बजाइए, ऐसी प्रार्थना जो है माँ सरस्वती से की गई है। विनादे नैनावे वाणी विना मृदुंगाय गीति ललितम इति विना वसंते लसंत है सरसा शाला कलापः ललित कोकिला काकिना निनादे नैनावे वाणी विना। हे माँ सरस्वती निनादे नैनावे वाणी का मतलब क्या होता है? हे वाणी, हे मां सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ। हे मां सरस्वती, हे वाणी, हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, क्योंकि वाणी हमें प्रदान करता है मां सरस्वती प्रदान करती, तो हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन जो नई है नवीन है वीणा को वीणा वीणा को नवीन वीणा को निनादे बजाओ। हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। निनादे का मतलब बजाओ, नवीन आवे नए
वाणी से युक्त वीणा को बजाइए। तो मां सरस्वती जी का कहा है, हे मां सरस्वती आप अपनी, हे मां सरस्वती आप नवीन वीणा को बजा। निनादे निनावे वाणी वीणा, हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। निनादे का अर्थ होता है नई, बजाओ नवीन, निनावे का मतलब नवयुक्त वीणा को बजाओ, आप अपने नवयुक्त वीणा को बजाओ। हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाइए। इयम वसंते मृदुम गायक गीति ललित नीति जिनाम मधुरम मंजरी किंजरी भूत माला वसंते लसंत है सरसा रसाला क्लापा ललित कोकिला का नाम मिनाते। हे मां सरस्वती इस वसंत में, यह वसंत हे मां आप नवीन वीणा को बजाओ, इस वसंत में वसंत ही है, इस वसंत में, इस वसंत में जो है क्या हो गया है, इस वसंत में मधुर मंजरियों से तीरी हो गई है, यानी आम सरसा अरसाला, यानी अरसाला मतलब आम होते हैं, अरसाला मतलब क्या होते हैं आम होते हैं, और इस वसंत काल में, इस वसंत काल के अंदर जो आम के जो पेड़ हैं, आम के पेड़ जो सरसा या रस से युक्त आम के पेड़ हैं, उनकी डालियां, उनकी जो डालियां हैं उन पर मधुर मंजरियां जो है वो अत्यधिक है, वो सुशोभित हो रही है। मंजरियां मधुर मंजरी, मधुर मिंजर, मिंजर बोलते हैं ना, मिंजर जिसको बोलते हैं, मधुर मिंजरी किंजरी भूतमाला पिंजरी, पिंजरी का मतलब जिसकी जो पीले रंग से क्या होती है, पीले रंग से जो पत्तियां हैं डालियां हैं वो सुशोभित हो रही है, और इस वसंत काल में, इसे वसंत काल में, इस वसंत काल में रस से युक्त आमों की जो टहनियां हैं वो मधुर मिंजरी से, मिंजरी के मिंजर जो है वो पीले रंगों से वो सुशोभित हो रहे हैं, और इस समय पीले मिंजरों से जो रस से युक्त जो आम हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, और इस वसंत काल में, इस वसंत काल में मधुर पीले मिंजरों से जो संपूर्ण जो आम के पेड़ है रस से युक्त आम हैं वो सुशोभित हो रहे हैं, यानी आम के इस समय वसंत काल में मिंजर बन जाती है, और मिंजर कैसे होती है पीली पीली मिंजर, वो पीली मिंजर है वो इन आमों को सुशोभित कर रही होती है, और इस वसंत काल में, इसे वसंत काल में, इस वसंत काल में रस से युक्त जो आम है वो मधुर पीली पीली मिंजर से सुशोभित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं सुशोभित हो रहे हैं। कलापा ललित कोकिला काकली नाम, और जहां पर, और जहां पर मनोहर सुंदर वाणी को बोलने वाले कोयलों का जो समूह है वो सुंदर लग रहा है, और
और इस समय सुंदर वाणी से युक्त जो कोयलों का जो समूह है वो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उसी भावना को देख करके ही मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाइए। इसी प्रकार से ही मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, ठीक है। क्यों क्या होता है इसमें, पहले श्लोक में क्या बताया, देखिए हे मां सरस्वती, सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ। किसको बजाओ, नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम गाय प्रीति ललित नीति दिनाम, और आप जो है वो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण का मधुर गान करो। नीतियों से युक्त ललित यानी सुंदर, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गायन करो। आप नीति से युक्त, नीति से युक्त मधुर गीत का गान करो। किसे कहा गया ये मां सरस्वती से कहा गया है, ये मां सरस्वती से कहा गया है कि आप नीति से युक्त, सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो, गान करो। ललित का अर्थ सुंदर, नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो। आप सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो, ठीक है। ये है वसंते, इस वसंत में, इसे वसंत में, बसंत में, इस बसंत में मधुर पीली मंजरों से, मधुर मंजरी का मतलब होता है मधुर मिंजर, मिंजर कैसी, इस बसंत में रस से युक्त आम पीली मधुर मेजरों से सुशोभित होते हैं, और इस समय जो रसीले आम है वो पीली मधुर मेजरों से सुशोभित होते रहते हैं। यानी इस समय जो है वो मेजर जो लगती है आमों के, उस मेजर से, और वो मेजर पीली होती है, उस पीली मिंजर से आम के पेड़ जो है वो सुशोभित होते हैं। आम के पेड़ पीली मधुर मिंजरों से सुशोभित होते हैं, जहां पर कोयलों का समूह है, जहां कोयल का समूह है, मधुर
वाणी में कूकता है उगता है, इसलिए हे मां आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। पहले श्लोक में क्या होता है, जिस हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, आप अपनी नीति से युक्त नीति निर्धारण का मतलब होता है नीति से युक्त सुंदर नीति से युक्त वीणा को बजाते हुए गीत का गायन करो, क्योंकि जहां वसंत काल में आम के पेड़ पीली मधुर मिंजरों से सुशोभित होते हैं और जहां कोयलों का समूह है वो मधुर वाणी में कूकता है, उसे देखकर के हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, नवीन वीणा का गान कीजिए। तो यह है पहले श्लोक का अर्थ, आपके समझ में आ गया होगा, यदि नहीं भी आया तो आप इसको लिख लें, वैसे समझ में आ गया है सरली है। वह थी मंदा मंद्रम सनिरे शमिरे कलिंदा तुजाया सवानी तीरे नतानुपम गति माला अवलोक्य पंक्तिम आलोक्य मधु माधीनाम निनाद्य। जहां पर जिस धरती पर मंद मंद मंदम मंदम यानी धीरे धीरे मंद मंद यानी कि कलिंदा यानी कि यमुना नदी को कलिंदा कौन सी नदी कहा जाता है, कलिंदा आत्मजा कलिंदा का मतलब होता है यमुना नदी, यमुना नदी को कलिंदा कहा जाता है, यमुना नदी आत्मजया स्वानी धीरे नदी के जल के किनारे नीर जल तीर किनारे जल के किनारे जल के किनारे यानी तट जिसको कहते हैं किनारे मंदम मंदम धीरे धीरे बहती हवा मधुर शीतल हवा से पंक्ति आलोक के मधुर माधुरी नाम जो मधुर सुंदर जो लताएं हैं सुंदर लताएं नताओं का होता झुकना झुकती हैं पंक्ति में माला तो क्या होता है इसके अंदर कि जिसकी यमुना की वृक्ष लताओं से घिरे हुए तट पर वेतस लताएं हैं जिस मास जिस नदी के किनारे जो वेतस लताएं हैं जो स्वान 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 बूंदे होती हैं
वहां पर मंद मंद हवाओं के बहने से जो वो लताएं हैं वो झुक जाती हैं, उन्हें देखकर के हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन क्रीड़ा को बताइए। शब्द है जिस यमुना के किनारे जो वेतस लताएं हैं उनके पत्तों पर जो जल की बूंद है वो बूंदों से परिपूर्ण है, वहां पर जब मंद मंद हवा बहती है, मंद मंद धीरे धीरे समीरे हवा बहती है, तो फूलों से युक्त पंक्ति फूलों से युक्त जो लताएं हैं वो झुक जाती हैं, उन झुकी हुई लताओं को देख करके हे मां सरस्वती आप अपने नवीन वीणा को बजाइए। क्या बताया है यमुना नदी पर वेतस लताओं से यमुना नदी का टीका वेतस लताओं से घिरा हुआ जो जल की बूंदों से परिपूर्ण है वहां हवा की मंद मंद बहने से फूलों से लदी हुई लताएं झुक जाती हैं, उन्हें देखकर हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। क्या कहा गया है, क्या प्रार्थना की गई है मां सरस्वती से कि हे मां सरस्वती जहां पर यमुना नदी के पर यमुना नदी का वेद लताओं का से घिरा हुआ जो तट है, जो जल की बूंदों से परिपूर्ण है, जो जल की बूंदों से क्या है, जल की बूंदों से परिपूर्ण है, वहां हवा के मंद मंद बहने से फूलों से लदी हुई लताएं झुक जाती हैं, उन्हें देखकर हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। ये वाक्य की सुंदरता इतनी शानदार है, इतनी मधुर अच्छी जो है सुंदरता है कि यमुना नदी के किनारे जो वेतस लताएं हैं वो वेतस लताएं जल की छोटी छोटी बूंदों से परिपूर्ण है और वहां पर जब उस शीतल हवा मंद मंद बहती है तो उनकी जो वो फूलों से लदी हुई मालाएं हैं वो झुक जाती है।
दृश्य है वो अति शानदार दिखाई देता है। उस सुंदर दृश्य को देख करके हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। ठीक है, तो क्या बताया निनादे निनादे वाणी वीणा मृदुंगाय गीति मलित निधि वीणा मधुर मंजरी मंजरी भूतमाला वसते रसित है सरसाशाला कलापः ललित कोकिला काकली नाम निनादे। मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, आप सुंदर नेत्र से युक्त मधुर गीत का गान करो। कैसे गान, कैसा गान करो? ललित नीति नाम युक्तम, ललित सुंदर नीति से युक्त गीत का गान करो। क्योंकि इस समय बसंत काल में रस से युक्त आम के पेड़ पीली मधुर मंजरी से युक्त हो जाते हैं और युक्त होने पर वो अतीव शोभनीय होते हैं, सुंदर सुशोभित होते हैं। जहां कोयलों का समूह है वो मधुर गान करता है, उस मधुर गान को देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। क्या गाय पहले के श्लोक के अंदर मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, आप सुंदर नीति से युक्त उस मधुर गीत का गान करो। जिस वसंत काल में जो आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं वो पीली पिंजरियां हैं, पीली पीली मधुर मंजरी से युक्त होकर सुशोभित होते हैं। जहां पर कोयलों का समूह है वो मधुर वाणी में कूकता है, उस दृश्य को देख करके हिमा सरस्वती आप अपनी मधुर वाणी को वीणा को बजाइए। वहति मंदम मंदम सनिरे सनिरे कलिता जया स्वानीरे लता पंक्ति अलोके मधुमाधवि नाम निनादे। नवीन वाणी हिमा सरस्वती जहां यमुना नदी के किनारे जो वेतस लताएं हैं, वेतस जो लताएं लगी हुई हैं, वो लताएं छोटे छोटे जल की कणों से युक्त हैं और वहां पर जब मंद मंद हवा बहती है तो वो फूलों से युक्त जो लताएं हैं वो सुंदर पत्ती के रूप में झुक जाती हैं। वो दृश्य अति सुंदर होता है, बहुत ही शानदार लगता है, अच्छा होता है। उस दृश्य को देख करके हे मां सरस्वती आप अपने नवीन वीणा को बजाइए, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, ऐसी मां सरस्वती से प्रार्थना की गई है। क्या की गई है? हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, आप सुंदर नीति से युक्त मधुर गीत का गायन करो। इस बसंत काल में रस से युक्त जो आम है वो पीली मधुर मंजरियों से युक्त होकर सुशोभित होते हैं। जहां कोयल हैं वो समूह के रूप में, कलापा समूह के रूप में सुंदर गान करती हैं, उन गान को देखकर के मां सरस्वती आप अपनी वीणा को बजाओ। जहां यमुना नदी के किनारे किनारे वेतस लताएं हैं उनके ऊपर सनेरे जल की बूंदे से वो परिपूर्ण है, वो लताएं जल की बूंदों से परिपूर्ण है और वहां जब हवा मंद मंद बहती है तो जो फूलों की जो पंक्तियां हैं, फूलों के जो गुच्छे होने के कारण से वो लताएं वो बेल हैं
झुक जाती हैं, उन झुकी हुई लताओं को देख करके हे मां सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए, आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। प्रिय विद्यार्थियों, ये दो श्लोक मैंने आपको पढ़ा बताए, दो पद्य बताए, मेरे हिसाब से बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको बताए, आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ये आपके दो पद्य, अगली कक्षा में फिर से आपके जो बचे हुए दो पद हैं वो पढ़ेंगे। तब तक आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इनका अर्थ कीजिए, कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।